चले जी, अभी मैं लगाने लगी हूँ दम, तो 15 मिनट के बाद दम हटाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। शुरू करती हूँ नए व्लॉग, नई वीडियो का आगाज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ कराची बिरयानी, तय वाली कराची स्टाइल में। तो अभी मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ, तो शुरू करते हैं अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं बनाने जा रही हूँ तय वाली बिरयानी कराची स्टाइल में, जिसके लिए मैंने 3 प्याज काट के रख दिए हैं, 4-5 टमाटर काटे हैं, धनिया, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 किलो मुर्गी, 1 किलो चावल जो मैंने भिगो दिए थे। मैं डालती हूँ इसमें शान वालों का बिरयानी मसाला, क्योंकि शान वाले बिरयानी मसाले में टेस्ट अच्छा होता है। चावलों का पानी बॉयल हो गया, मैं इसमें चावल डालने लगा। नीचे पड़ा हूँ, चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, 1 कन्नी मैंने छोड़े हैं, 1 कन्नी फिर दम में हो जाएंगे। अभी ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर इसमें प्याज डालेंगे। प्याज, ऑयल गर्म हो गया तो प्याज मैंने डाल दिए थे, प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। प्याज ब्राउन हो गया हमारा, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। चिकन अभी डाला है प्याज़ों के साथ, अच्छे से फ्राई हो जाए। 6 टमाटर डालेंगे, कुछ लोग बाद में डालते हैं चिकन टमाटरों के एंड में मसाला फ्राई करने के बाद, लेकिन मैं बिरयानी में जब बनानी होती है ना तो चिकन पहले फ्राई करती हूँ। थोड़ा सा प्याज मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, जो एंड में दम लगा के तो ऊपर डालना। अभी टमाटर शामिल करने लगे, लेट साइड पे रखिए। धनिया, मसाले डालने लगी हूँ, बिरयानी मसाला, ये भी बिरयानी मसाला, ये कराची वाला है, धड़ा मिर्च, लाल मिर्ची, गरम मसाला, नमक, मैंने तो अपने हिसाब से डाले हैं। मैं तो ज़्यादा ही मसाला स्पाइसी बनाती हूँ, मैंने इसलिए 2-2, 3-3 चम्मच डाले हैं मसाले, बाकी आप जितने मर्जी हो डालें, जितनी आप खा सकते हैं स्पाइसी या नॉर्मल, क्योंकि कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं कुछ। आओ जिनी तो आड़ी हिम्मत मंदी है। हाँ, पंजाबी कार से दी। हाँ, थोड़ा सा पानी डाला मैंने ताकि मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए और टमाटर भी गल जाए। मसाला हमारा तकरीबन फ्राई हो गया, चिकन भी थोड़ी बहुत जो है ना गल गई होगी, बाकी जो है इसे पानी डालेंगे, बाकी कसर तब पूरी हो जाएगी। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, टमाटर भी गल गए हैं, अभी थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं 1/2 गिलास, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, फिर लगाऊंगी चावलों को दम। जी फ्रेंड्स, पानी मैंने डाल दिया 1/2 गिलास, अब मैं ढक रही हूँ ताकि चिकन जो अच्छे से गल जाए, फिर मैं दम पे लगाती हूँ। तो हमारी हो गई चिकन भी रेडी, चावल तो पहले मैंने बॉईल करके रख दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑयल इसमें इसलिए ज़्यादा लगा रही हूँ ताकि चावल नीचे ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने
से मैं दानियाल के लिए सादे चावल छोड़ ली जी। लड्डे का रंग मिर्च और ये जो मैंने प्याज निकाला था फ्राई करके वो एंड में। चले जी अभी मैं लगाने लगी हूँ दम, तो 15 मिनट के बाद दम हटाऊंगी। दम हटाया मैंने, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हो गई है मेरी। अभी मज़ा आएगा ना जी फ्रेंड्स। तो ये मैंने अब डिश आउट की है, देखिए कैसी ज़बरदस्त लग रही है, मुझे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो मियाँ जी को चेक कराएंगे तो फिर पता चलेगा। और साथ मैंने बनाई है ग्रीन चटनी, तो अभी हस्बैंड जी खाते हैं तो फिर आपको बताती हूँ कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर। तो अभी ये हस्बैंड जी खा रहे हैं, बताते हैं कैसे बने हैं। मज़ा ज़बरदस्त बने हैं, बेहतरीन। तो आप बोल देना चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।